हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस टाइपिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आप यहाँ पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अनलाइट मोशन ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके अनलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, आपको अनलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए नीचे प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहां से गाइस आपको 960 की साइज को सिलेक्ट करना है और ब्लैक बैकग्राउंड को इसमें सिलेक्ट करना है। और नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, आपको व्यू वॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको उस फोटो का वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर अनलाइट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगा। गाइस, आपको इस वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। फुल स्क्रीन में लगाने के लिए आपको ऊपर 3 डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग जाएगा। आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को थोड़ा सा खींच कर लंबा कर लेना है। इस तरह से आपको इसको खींच कर 15 सेकेंड तक इसको लंबा कर देना है। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने 15 सेकंड तक वॉलपेपर को लंबा कर लिया है। अब गाइस, आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। गाइस, आपको नीचे प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहां से आपको व्यू वाले पर क्लिक करना है। गाइस, आपको इसमें एक साड़ो PNG इमेज को सिलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी मटेरियल यूज होगा आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इमेज और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस, आपको साड़ो PNG इमेज को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी साड़ो PNG इमेज अनलाइट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। गाइस, आपको साड़ो PNG इमेज की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस, आपको 15 सेकेंड तक यहाँ पर लास्ट में जाना है, जितना आपने वॉलपेपर को यहाँ पर सेट किया था। आप देख सकते हैं 15 सेकेंड तक हम आ चुके हैं। अब गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी साड़ो PNG इमेज की लेयर ऑटोमेटिक 15 सेकंड तक लंबी हो जाएगी, आप देख सकते हैं हमारी लेयर 15 सेकंड तक यहां पर लंबी हो चुकी है। इस तरह से आपको इसको सेट करना है। गाइस, आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन मिला है टेस्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इसमें शायरी को यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर गाइस, मैंने शायरी को पहले से ही कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शायरी को पेस्ट कर दिया है। गाइस, आपको ऊपर कलर वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसमें वाइट कलर को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी शायरी कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, शायरी की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक इसको आपको बड़ा करके इसमें लगा लेना है, वॉलपेपर में आपको अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से सेट होने के बाद गाइस, आपको लास्ट में जाना है। आपको 15 सेकंड तक लास्ट में जाना है, इस तरह से आपको जाना है। अब यहाँ पर गाइस, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी शायरी की लेयर 15 सेकंड तक लंबी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं अभी हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस, आपको शायरी की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है इफेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है टेस्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको टेस्ट प्रोग्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है।
इस वाले इफेक्ट को आपको लगाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है नॉन वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद गाइस आपको एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको आपका जो प्लस वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपको इसको माइनस कर देना है। गाइस आपको नीचे साइड से राइट साइड में स्क्रॉल करना है। इस तरह से आपको स्क्रॉल करते जाना है। आपको इस तरह से शायरी के शुरू में आ जाना है। आने के बाद गाइस आपको इस तरह से गाइस आपको 3 सेकंड पर आना है। आने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, इसको माइनस कर देना है। अब आपको शायरी की लेयर को लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है। इस तरह से आपको फर्स्ट लाइन को इसमें ले आना है। तो इस तरह से आपको स्क्रॉल करते जाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट लाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको लेयर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। आपको इसको 6 सेकंड पर इसको लाना है। इस तरह से आपको 6 सेकंड पर रख देना है। आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। आपको इसकी लेयर को इस तरह से स्क्रॉल कर देना है। लेफ्ट साइड में आपको स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पर दूसरी लाइन को लाना है। इस तरह से गाइस आपको दूसरी लाइन को ला देना है। अब आपको फिर से शायरी की लेयर को स्क्रॉल करना है, आगे बढ़ाना है। शायरी की लेयर को आपको 9 सेकंड पर रख देना है। इस तरह से आपको 9 सेकंड पर आना है। फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इस तरह से आपको नीचे साइड से लेफ्ट साइड में फिर से स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर तीसरी लाइन तक यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते जाना है। आप देख सकते हैं हमारी तीसरी लाइन यहाँ पर आ चुकी है। आपको फिर से शायरी की लेयर को आगे बढ़ाना है। आपको 12 सेकंड पर इसको रख देना है। प्लस वाले ऑप्शन पर फिर से टैप करना है और फिर से लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है। अब आपको चौथी लाइन को इसको ला देना है। इस तरह से आपको लेयर के एंड में चले जाना है। अब आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी शायरी कुछ इस तरह से सेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी शायरी कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। गाइस आप देख सकते हैं हमारी लिरिक्स शायरी कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, व्यू वाल पर क्लिक करना है। व्यू वाल पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको इस समय एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट वीडियो को इसमें सिलेक्ट करना है। आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका इफेक्ट अनलाइट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगा। अब गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सेकंड नंबर पर लाइटन वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट वीडियो में लग चुका है। आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट लग चुका है। अब गाइस आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, व्यू वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको एक बॉर्डर लाइन को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन अनलाइट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको लेयर को आगे इस तरह से बढ़ाते जाना है। आपको 15 सेकंड पर चले जाना है। इस तरह से आपको 15 सेकंड पर जाना है। जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। टैप करते ही आप देख सकते हैं हमारी बॉर्डर लाइन की लेयर 15 सेकंड तक लंबी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको 15 सेकंड तक बॉर्डर लाइन की लेयर को लंबी कर लेना है। अब गाइस आपको लास्ट में जाना है। अब गाइस हमारी जो इफेक्ट की लेयर है वो एक्स्ट्रा हो रही है, तो आपको इफेक्ट की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी लेयर पीछे से कट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी इफेक्ट की लेयर पीछे से कट हो चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। इसमें आपको व्यू वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। यहाँ से गाइस आपको इस समय एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको साउंड वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही गाइस आपकी साउंड वाली वीडियो अनलाइट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको ऊपर 3 डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है एस्ट्रिक आइडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो का आइडियो निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में इस वीडियो का आइडियो निकल कर आ चुका है। अब गाइस आपको साउंड वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही साउंड वाली वीडियो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे।
गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो गाइस आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वाले पेपर को लगाकर शायरी, लिरिक्स, स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।